तो चलिए बच्चों, आज हम देखने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मिसलिनियस सॉल्व करने वाले हैं हम बेसिकली यहाँ पर। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, कुछ वैल्यू जो है हमें यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। तो उसमें पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कॉस इनवर्स कॉस 13π/6। अब तक हमने क्या किया था, कॉस इनवर्स और कॉस को डायरेक्टली कट किया था और जो भी एंगल है वो उसका आंसर था। लेकिन कॉस की जो रेंज होती है, देखिए कॉस की क्या रेंज होती है, कॉस की जो रेंज होती है वो होती है 0 से π। और देखिए 13π/6 बिलोंग्स करता है किस में, 13π/6 जो है तो इसकी वैल्यू 2π से थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन रेंज 0 से π ही होनी चाहिए, यानी 13π/6 बिलोंग्स नहीं करता इस रेंज में, इसलिए 13π/6 हमारा आंसर नहीं होगा। तो इसे फिर रीअरेंज करके लिखना होगा हमें। तो किस प्रकार से रीअरेंज कर रहे हैं वो देखिए यहाँ पर। तो कॉस इनवर्स इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं अब हम, कॉस अभी 13π/6 है। अब 13π जो है इसे मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, यहाँ पर नीचे क्या है 6, तो 6 से डिवाइड होने वाला है इसके आजू बाजू का नंबर है 12। तो मैं इसे इस प्रकार से लिख सकता हूँ 12π+π यानी 13π/6। अब ये जो 6 6 2 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 2π+π/6 हो जाएगा ये। और यहाँ पर क्या है cos इनवर्स एज इट इज, देखिए 13π को मैंने क्या लिखा यहाँ पर 12π+π यानी 13π, 6 2 12 होता है या इसलिए ये 2π आ गए और ये 5/6 एज इट इज। 2π+θ यानी ये एंगल आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देखिए यहाँ पर ही 0 होता है और यहाँ पर ही 2π होता है, तो ये घूम फिर कर 2π+θ यानी ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये बन जाएगा cos π/6 और ये cos इनवर्स एज इट इज। तो ये cos इनवर्स और cos कैंसिल हो जाएगा और बचेगा सिर्फ π/6, तो π/6 आपका आंसर है। तो इसी प्रकार से हम सेकंड वाला सॉल्व करेंगे, ये tan इनवर्स है यहाँ पर। अब देखिए tan की रेंज होती है 0 से π/2, सॉरी -π/2 से π/2 के बीच में, और ये वाला एंगल बिलोंग नहीं करता है, देखिए इसकी वैल्यू पाई से थोड़ा ज़्यादा होगी और यहाँ पर रेंज 5/2 ही है सर, तो ये बिलोंग्स नहीं करता इसमें। तो ये tan इनवर्स एज इट इज, फिर tan को हमें थोड़ा सा रीअरेंज कर लिखना होगा। 7π है तो इसे मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ 6π+π यानी 7π। ऐसा 6π क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 6 से फिर वो डिवाइड हो जाएगा, ऊपर 6 6 कैंसल, यहाँ पर देखिए 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ पाई बचेगा और ये π/6। π+θ पाई कहाँ पर आता है, देखिए यहाँ पर 2π है, यहाँ पर π/2 है, यहाँ पर है पाई, π+θ यानी थर्ड क्वाड्रेंट, और हमें पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, tan और cot थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, ये थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये हो जाएगा tan π/6 और ये है tan इनवर्स, फिर tan इनवर्स tan कैंसल, आपको मिलेगा π/6। तो π/6 क्या है आपका सही आंसर है, देखिए π/6 इस रेंज में आता है यानी π/6 आपका आंसर है। उसी प्रकार से ये भी देखिए यहाँ पर भी π/6 इस रेंज में आता है यानी यहाँ पर भी π/6 आपका आंसर है। तो चलिए इसे नोट डाउन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में 2 sin inverse 3/5 और राइट हैंड साइड में दिया हुआ है tan इनवर्स 24/7। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है ये प्रूव करना है। तो चलिए पहले तो ये साइन इनवर्स 3/5 को हम पुट करेंगे, लेट साइन इनवर्स 3/5 क्या है, सपोज x है,
तो ये साइन इनवर्स है उस साइड में जाकर साइन हो जाएगा, फिर साइन एक्स इज इक्वल टू क्या बचेगा 3/5। अब हमें कॉस एक्स निकालना है, तो कॉस एक्स का फॉर्मूला होगा कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 - sin² x। चलिए साइन एक्स की वैल्यू हमें पता है 3/5, पुट कर देंगे साइन एक्स की जगह पर 3/5, स्क्वायर है साइन एक्स का इसलिए स्क्वायर लेता हूँ मैं इसका, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 - 3 का स्क्वायर होता है 9 और 5 का होता है 25। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये होगा 1, ये 25 - 9, 25 - 9 अपॉन 25, तो ये होगा 16/25, और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 और 25 का होता है 5, तो ये मुझे मिल गई है कॉस एक्स की वैल्यू। कॉस एक्स क्या मिला है मुझे 4/5। अब मैं निकालूंगा टैन, टैन एक्स इज इक्वल टू, टैन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स, साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। तो इन दोनों का अगर डिवीजन करूंगा मैं तो 5/5 क्या हो जाएगा कैंसिल और ये मुझे मिलेगा 3/4। देखिए 5 ये वाला 5 ये नीचे वाला 5 कैंसिल हो जाएगा 3/4, ये मुझे मिल गई tan x की वैल्यू। तो tan इनवर्स x क्या होगा फिर, सॉरी tan यहां पर tan है उस साइड में जाकर tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू क्या बचेगा यहां पर सिर्फ x, और x यानी होता है sin इनवर्स 3/5, x यानी क्या होता है sin इनवर्स 3/5। देखिए यहाँ पर हमने पुट किया था साइन इनवर्स 3/5 को एक्स, तो इसका मतलब है साइन इनवर्स 3/5 की जगह पर हम लिख सकते हैं टैन इनवर्स 3/4। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड 2 sin inverse 3/5, तो ये साइन इनवर्स 3/5 की जगह पर हम लिखेंगे टैन इनवर्स 3/4। ऐसा क्यों किया है हमने, क्योंकि हमें पता है ये इसका फॉर्मूला हमें पता है। देखिए 2 tan इनवर्स x होता है 2x/1 - x² यहाँ पर tan इनवर्स लिखना है, tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x/1 - x² तो चलिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, यहाँ पर x की जगह पर क्या है यहाँ पे tan इनवर्स 3/4 एंड x की जगह पर 3/4 यहाँ पर, तो 2 x की जगह पर क्या पुट करना है हमें 3/4/1 -3/2 नीचे 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का होता है 16, ये 1 - 9/16, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 16 - 9/16, ये ऊपर 3/2 और नीचे क्या है 16 - 9, 16 में से 9 चलेंगे यानी 7, ऊपर 3/2 और नीचे बचेगा 7/16। अगर मैं इसे ऊपर लिखूंगा ये 7/16 क्या हो जाएगा, ऊपर लिखने के बाद 16/7 हो जाएगा यानी उल्टा हो जाएगा, यहां पर मुझे मिलेगा tan इनवर्स 2 1 2 2 8 16 और 8 3 होगा 24 अपॉन में 7 बच रहे तो 7,
तो ये मुझे मिलेगा 24/7, यानी राइट हैंड साइड आ गई, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी और हमें मिल गई है राइट हैंड साइड, तो ये प्रूव हो गया है। चलिए इसे नोट डाउन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में हमें लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 और राइट हैंड साइड में हमें क्या दिखाना है फिर, यानी प्रूव करना है हमें टैन इनवर्स 77/36, हमें ये प्रूव करना है। तो पहले ये जो साइन है साइन साइन, इसको हम टैन में कन्वर्ट करेंगे, तो उसकी प्रोसीजर देखिए किस प्रकार से इसे टैन में कन्वर्ट करना है। अब पहले तो साइन इनवर्स 8/17 को हम पुट करेंगे एक्स, साइन इनवर्स है तो उस साइड में ऊपर साइन हो जाएगा, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, साइन एक्स इज इक्वल टू 8/17। अगर साइन 8/17 है तो कॉस क्या होगा फिर, अंडर रूट 1 साइन स्क्वायर एक्स फॉर्मूला लिख दिया हमने, पुट करेंगे वो वैल्यू अंडर रूट 1 8/17 और उसका स्क्वायर करना है हमें, तो 8 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 64 और 17 का 289। अब हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसे हम 289 - 1 × 64, यानी ये 64 होगा और ये अपॉन 289, 289 में से 64 चले गए यानी बचेगा 225 अंडर रूट 289। 225 का स्क्वायर रूट लेने के बाद मुझे मिलता है 15 और इसका है 17, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई cos x की 15/17। तो tan x कैसे निकालेंगे आप, tan x इज इक्वल टू sin x अपॉन cos x, डिवीजन करेंगे तो ये 17 और ये 17 कट जाएगा, क्या मिलेगा मुझे 8/15, 8/15 ये वैल्यू मिलेगी मुझे tan x की। तो tan इनवर्स x क्या होगा, tan इनवर्स x नहीं है, tan इनवर्स ये यहाँ पर tan है उस साइड में जाकर tan इनवर्स होगा, tan इनवर्स 8/15, tan इनवर्स 8/15 होगा x, और x यानी क्या है, x यानी है sin इनवर्स 8/17, sin इनवर्स 8/17 ये वैल्यू है x की, यानी साइन इनवर्स 8/17 की जगह पर हम पुट कर सकते हैं टैन इनवर्स 8/15। उसी प्रकार से यहाँ पर पुट करना है हमें, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे साइन इनवर्स 3/5 को हम सपोज करेंगे y, तो क्या बनेगा देखो, ये साइन इनवर्स है इस साइड में जाकर साइन हो जाएगा, यानी साइन वाई की वैल्यू मुझे मिलेगी, क्या बच रहा है यहाँ पर 3/5, साइन वाई की वैल्यू मुझे मिलेगी 3/5। उसी प्रकार से अगर मुझे कॉस वाई की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, ये फॉर्मूला यूज करूंगा, तो साइन वाई की वैल्यू मुझे जो मिली है पुट करेंगे इसमें 1 - 3/5 उसका स्क्वायर 9/25 आएगा, और ये फिर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और फिर 9/25 में से 9 चले गए यानी 16/25। अगर इसका स्क्वायर रूट लिया मैंने तो ये आ जाएगा 4/5। तो देखिए अगर tan y निकालना है मुझे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का डिवीजन sin y डिवाइडेड बाय cos y, sin बाय cos किया मैंने तो 5/5 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा 3/4, ये मुझे मिल गई tan y की वैल्यू, यहाँ पर tan है तो उस साइड में जाकर tan इनवर्स हो जाएगा, वो tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू क्या y बच रहा है यहाँ पर, और y यानी क्या होता है आपको पता है, y यानी क्या होता है sin इनवर्स 3/5। इसका मतलब है साइन इनवर्स 3/5 की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं टेन इनवर्स 3/4, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी हो जाएगी
लेफ्ट हैंड साइड। देखिए साइन इनवर्स 8/17 की जगह पर हमें क्या लिखना है यहाँ पर, देखिए कहाँ पे इसकी वैल्यू ये यहाँ पर दी हुई है, ये साइन इनवर्स 8/17 की जगह पर हमें लिखना है टेन इनवर्स 8/15। और साइन इनवर्स 3/5 की जगह पर हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स 3/4। अब मुझे ये वाला प्रूव करना है, तो यहाँ पर मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला। तो इसे लिखने से पहले पहले तो ये सब नोट डाउन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में हमें लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/30, और हमें प्रूव करना है राइट हैंड साइड क्या दिखाना है हमें, cos इनवर्स 33 मतलब ये दोनों साइड इक्वल दिखाना है हमें। तो सबसे पहले ये जो भी cos cos में लिखा है सबको हमें tan में कन्वर्ट करना होगा। तो किस प्रकार, देखिए जो भी दिया है आपको उसे सपोज कर दीजिए, लेट cos इनवर्स 4/5 जो है उसे हम सपोज करेंगे x, तो फिर मुझे क्या मिलेगा, ये cos इनवर्स इस साइड में जाकर cos हो जाएगा, तो cos x मुझे मिलेगा 4/5। तो इससे मैं साइन एक्स निकाल सकता हूँ, साइन एक्स पता है हमें फॉर्मूला अंडर रूट वाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है साइन एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पर क्या है कॉस की वैल्यू 4/5 पुट कर देंगे डायरेक्टली यहाँ पर 4/5 स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका स्क्वायर करके 1 - 16/25, तो फिर मुझे मिलेगा 25 - 16 यानी 9/25 इन अंडर रूट, तो ये 9 का स्क्वायर रूट लेने के बाद 3 मिल जाएगा और 25 का 5, तो साइन एक्स की वैल्यू मुझे क्या मिल गई यहाँ पर 3/5। तो टेन निकाल सकता हूँ मैं इससे, टेन एक्स क्या मिलेगा मुझे, टेन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स, तो ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा और मुझे क्या वैल्यू मिलेगी 3/4, ये मिल गया मुझे टेन एक्स। तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, tan इनवर्स implies tan इनवर्स 3/4 is equal to क्या हो जाएगा x, और x क्या है, x यानी है cos इनवर्स 4/5, cos इनवर्स 4/5 ये वैल्यू है x की, यानी हम cos इनवर्स 4/5 की जगह पर रख सकते हैं tan इनवर्स 3/4। उसी प्रकार से अब इसकी वैल्यू निकालेंगे हम cos इनवर्स 12/30 की, तो चलिए cos इनवर्स 12/30 को हम सपोज करते हैं y, तो मुझे cos y क्या मिलेगा, cos y इज इक्वल टू 12/30, cos y इज इक्वल टू 12/30, ये इनवर्स था उस साइड में cos हो गया, cos y इज इक्वल टू 12/30 में आ गया यहाँ पर, तो sin y कैसे मिलेगा मुझे, फॉर्मूला यूज करके 1 - cos² y, cos square y यानी 12 और 13 का स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करके फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और फिर मुझे ब्रैकेट में मिलेगा 13 का स्क्वायर होता है 169 और इसका होगा 144/13 का स्क्वायर यानी 169, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होता है 25 और 25 का स्क्वायर रूट के बाहर लेने के बाद उसका स्क्वायर रूट आता है 5 और 169 का स्क्वायर रूट आता है 13, तो यहाँ पर मुझे साइन वाई की वैल्यू मिल गई है 5/13 और कॉस वाई की वैल्यू थी 12/13, तो टैन क्या होगा, टैन वाई इज इक्वल टू 13, ये 13 कैंसिल हो जाएगा 5/12। अब ये tan y की वैल्यू मिली है मुझे, अगर मैं इसे इनवर्स करूंगा तो tan इनवर्स 5/12 इज इक्वल टू y और y की वैल्यू होती है cos इनवर्स 12/13, cos इनवर्स 12/13,
यानी मैं cos इनवर्स 12 बाई 13 की जगह पर यहां पर, यहां पर क्या पुट कर सकता हूं, tan इनवर्स 5 बाय 12। अब इसकी वैल्यू देखेंगे राइट हैंड साइड क्या है, cos इनवर्स 33 अपॉन 65। इसे हम पुट करेंगे z, तो ये जो cos इनवर्स है उस साइड में जाकर cos हो जाएगा, तो cos z मुझे मिलेगा 33 अपॉन 65। अब ये वैल्यू मुझे मिली cos की। मुझे अगर sin निकालना है तो मुझे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, sin z निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला है, 1 माइनस cos स्क्वायर z, और यहां पर cos की वैल्यू है 33 अपॉन 65, पुट करेंगे 1 माइनस 33 अपॉन 65 और उसका स्क्वायर। अब 33 का और 65 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए इसे निकालने के लिए, तो चलिए पहले तो हम उसका स्क्वायर निकालेंगे 33 का और 65 का। तो यहां पर मैं स्क्वायर निकालता हूं 33 का, क्या होगा 33 का स्क्वायर, 9 ये 9 फिर ये 9 ये 9 9 18 1089, ये होगा 33 का स्क्वायर, और उसी प्रकार से 65 का निकालना है मुझे। 65 का क्या होगा, 5 इंटू 5 25 30 और ये 32 फिर ये 30 कैरी 3 36 और ये 3 39 फिर बचेगा 5 2 ये हो जाएगा 12 4 4 2 2 5 यानी यहाँ पर मुझे मिलेगा 4225 माइनस 33 का स्क्वायर क्या आ रहा है, 1089 अपॉन 4225। ये मैं वैल्यू मिलेगी मुझे साइन थ्रेड की। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे, 15 में से 9 चले गया, अच्छा गया, क्या बचा है 6, फिर 1 में से 8 यानी 11 में से 8 चले गए, बचेंगे 3, फिर यहाँ पे 1 ही बच गया है एज इट इज लिखेंगे, फिर 4 में से 1 चला गया 3, 3 1 3 6 अपॉन 4 2 2 5। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा, आपको फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके आप इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, इसे 2 से डिवाइड कीजिए फिर आपको मिलेगा 1 5 6 8, इस प्रकार से इसे निकालते जाइए और फिर आपको इसका जो स्क्वायर रूट मिलेगा वो होगा 56 और इसका स्क्वायर रूट है 4 टू 2 5 का 65। तो देखिए साइन जेड की वैल्यू हमें मिल गई है 56 अपॉन 65, तो उसी प्रकार से हम साइन का यूज करके टैन निकाल सकते हैं, फिर टैन जेड की वैल्यू होगी साइन बाय कॉस, यानी होता है टैन साइन बाय कॉस, 65 कैंसिल हो गए और फिर क्या मिल गया मुझे यहां पर 56 अपॉन 33। तो पहले तो इतना नोट डाउन कीजिए, तो देखिए हमें अब तक क्या क्या मिला, इस कॉस को हमने टैन में कन्वर्ट किया तो हमें मिला ये टैन इनवर्स 3/4, इस कॉस का कन्वर्शन हमने अगर टैन में करने के बाद हमें मिला 5/12, और इस थर्ड वाला राइट हैंड साइड वाली कॉस इनवर्स को हमने टैन इनवर्स में कन्वर्ट किया तो हमें मिला 56/33। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड दिखाना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या रख सकते हैं, हम इस कॉस की जगह पर ये टैन फंक्शन रख सकते हैं, टैन इनवर्स 3/4 प्लस इस कॉस की जगह पर ये वाला फंक्शन रख सकते हैं टैन इनवर्स 5/12। हमें पता है टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई वाला फार्मूला, तो वो फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पर होगा फिर टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई, एक्स क्या है यहाँ पर 3/4 प्लस वाई यानी 5/12 अपॉन 1 माइनस
एक्स इंटू वाई यानी 3/4 इंटू 5/12, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स। यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 12 3 36 प्लस ये होगा 5 4 20 और ये आ जाएगा 12 4 48 अपॉन 4 × 12 यानी 48 माइनस 3 5 15 अपॉन 48, तो ये 48 कैंसिल हो जाएगा और फिर मुझे मिलेगा tan इनवर्स, ऊपर क्या है 36 प्लस 20 यानी 56 अपॉन 48 माइनस 15 होता है 33। तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड क्या मिली मुझे यहाँ पर, tan इनवर्स 56 अपॉन 33 और राइट हैंड साइड भी क्या थी, राइट हैंड साइड tan इनवर्स 56 अपॉन 33। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और दो राइट हैंड साइड दोनों क्या मिल गए मुझे इक्वल। इस प्रकार से आपको इसे सॉल्व करना है, तो चलिए इसे नोट डाउन कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 और 7 घर पर खुद से सॉल्व करने हैं। अगर इसमें डाउट आए आ गया है आपको तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, मैं आपको ये बता दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है हमें, लेफ्ट हैंड साइड में tan के 4 फंक्शन दिए हुए हैं और हमें प्रूव करना है उसे π/4। तो tan x प्लस वाई यहाँ पर एक बार यूज करेंगे और tan x प्लस वाई यहाँ पर एक बार यूज करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू tan x प्लस वाई का फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, तो मुझे मिलेगा tan x प्लस वाई का फॉर्मूला यानी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स वाई। यहाँ पर मैं tan बोल रहा हूँ, यहाँ पर इसका मतलब है tan इनवर्स है यहाँ। तो ये आएगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस x इंटू वाई। x प्लस वाई x की जगह पर यहाँ पे 1/5, y की जगह पर है 1/7 अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई यानी 1/5 इंटू 1/7। उसी प्रकार से यहां पर क्या होगा वो प्लस tan इनवर्स, इन दोनों के लिए यूज किया हूं मैंने ये फॉर्मूला, अब इन दोनों के लिए मैं यहां पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। ये होगा tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। ये हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पर मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 7 + 5 यानी ये हो जाएगा 12 अपॉन 5 × 7 यानी 35। फिर उसका डिवीजन इसके साथ इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये होगा 35 माइनस 1 5 × 7 35, फिर ये 35 से 1 को मल्टीप्लाई करने के बाद 35 माइनस 1 अपॉन 5 × 7 = 35, ये 35 कैंसिल हो जाएगा और मुझे मिलेगा यहाँ पर 12/34। तो ये होगा tan इनवर्स 12/34 यानी 6/17 प्लस यहां पर भी करना है, यहां पर tan इनवर्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 8 + 3 यानी ये हो जाएगा 11 और अपॉन 24। फिर डिवीजन में 24 माइनस 1 यानी 23 अपॉन 24, तो ये 24 कैंसल, ये हमें बचेगा 11/23 tan इनवर्स 11/23। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मतलब फॉर्मूले में डालने के बाद, पहले तो फॉर्मूले में पुट करेंगे इसे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y यही फॉर्मूला, फिर एक बार
तो ये आ जाएगा x प्लस y अपॉन वन माइनस x इंटू y, x इंटू y। तो चलिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम यहाँ पर इसका। पहले तो ये सारा कैलकुलेशन हम यहाँ पर रफ में कर लेंगे और डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। ये 6/17 है, ये 11/23, फिर इस 23 को आपको 11 से ये 6 से मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 23 × 6 18 यानी 1 12 और ये हो जाएगा 13 138 और फिर 11 × 17 करना है। ये 7 7 ये 11 7 8 1 यानी ये हो रहा है 187। फिर 17 × 23 भी करना है आपको। पहले तो लिख लेंगे हम जिस जिसके बारे में निकाल लिया है हमने। टैन इनवर्स 23 × 6 कितना आया है 138 प्लस 17 × 11 कितना मिला है हमें 187। अपॉन 17 × 23 फिर नीचे 17 × 23 कितना होगा 17 × 23 सॉल्व करके देखेंगे। 7 × 3 = 21 कैरी 2 3 एंड दैट 2 5 और ये 17 × 3 = 34 तो ये हो जाएगा 391। इसका कैलकुलेशन होगा 391 माइनस 6 × 11 यानी 66 अपॉन 17 × 23 तो ये 17 × 23 कैंसल। मुझे मिलेगा यहाँ पर tan इनवर्स 138 और 187 इनका एडिशन करो 135 इसका एडिशन हो रहा है 325 फिर 391 माइनस 66 और माइनस 66 करना है तो बचेगा 5 8 - 6 यानी ये 2 और ये 3। इसका भी कैलकुलेशन क्या आ रहा है 325 और राइट हैंड साइड में क्या है 5/4 तो tan इनवर्स 325 कैंसल क्या मिलेगा 1 = π/4 तो ये tan इनवर्स 1 = π/4 है। उस साइड में जाकर ये क्या हो जाएगा tan मतलब tan इनवर्स 1 है यहाँ पर और हमें पता है tan 45 की वैल्यू क्या होती है π/4। 45 को हम लिखते हैं π/4 और 45 की वैल्यू होती है 1 इसलिए मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी 1 की और मुझे क्या मिला π/4। या एक स्टेप ज्यादा करता हूँ मैं ताकि आपको समझ में आ जाए एक tan इनवर्स tan π/4 की वैल्यू होती है 1। तो देखिए ये tan इनवर्स tan कैंसल मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पर π/4 और हमें यही चाहिए था। देखिए राइट हैंड साइड में हमें π/4 ही चाहिए था और हमने सॉल्व कर वही वैल्यू निकाली π/4 तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई यहाँ पर। तो इसे नोट डाउन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया हुआ है tan इनवर्स रूट एक्स और हमें दिखाना है 1/2 cos इनवर्स 1 - x डिवाइडेड बाय 1 + x। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में हमें प्रूव करना है प्रूव दैट। तो चलिए हम पुट करेंगे लेट थीटा इक्वल टू क्या है अब यहाँ पर रूट में दिया है तो मैं क्या करूंगा थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स लिखूंगा। इसका मतलब क्या होगा
ये tan स्क्वायर है, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा इस प्रकार से पुट करूंगा, x की वैल्यू में पुट करता हूं, x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा लेता हूं, फिर अगर मैंने इसका रूट लिया तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट x। देखिए यहां पर मैंने स्क्वायर क्यों लिया है अब आपको पता चलेगा, यहां पर क्या है रूट x है, हमको पुट करना है x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूं इसका तो ये हो जाएगा tan थीटा, और फिर अगर मुझे थीटा निकालना है तो ये tan क्या हो गया, फिर इस साइड में आकर यहां पर tan है तो इस साइड में आकर tan इनवर्स रूट एक्स हमें मिल गया, tan इनवर्स रूट एक्स यानी थीटा यानी क्या है tan इनवर्स रूट एक्स। तो देखिए राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, पहले तो cos इनवर्स की वो कुछ वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ पर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। यहाँ पर हमें पुट करना है, क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आपको पता चलेगा मैंने x इज इक्वल टू tan स्क्वायर ही क्यों लिया, क्योंकि हमें पता है cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला, cos 2 थीटा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये वाला फॉर्मूला मैं यहां पर अप्लाई कर रहा हूं। देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, cos 2 थीटा, तो लिख देंगे cos 2 थीटा, cos इनवर्स cos कैंसिल, मुझे मिलेगा सिर्फ 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा है tan इनवर्स रूट एक्स, थीटा है मेरा tan इनवर्स रूट एक्स। तो ये जो वैल्यू है 2 tan इनवर्स रूट एक्स यहां पर मुझे रखना है राइट हैंड साइड में, देखिए राइट हैंड साइड इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड है 1 बाय टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, इसके अलावा हमें निकाली क्या आई यहां पर 2 tan इनवर्स रूट एक्स, इसकी वैल्यू मुझे मिली है 2 tan इनवर्स रूट एक्स, तो देखिए 2 2 गेट कैंसल, और राइट हैंड साइड मुझे क्या मिली यहां पर tan इनवर्स रूट एक्स, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी थी हमारे tan इनवर्स रूट एक्स, राइट हैंड साइड भी मुझे मिली tan इनवर्स रूट एक्स, तो यहां पर मैंने राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को क्या कर दिया इक्वल प्रूव कर दिया, और यही दिखाना था यही प्रूव करना था। तो चलिए नोट डाउन कीजिए इसे, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया हुआ है cot इनवर्स स्क्वायर रूट में 1 प्लस sin x प्लस स्क्वायर रूट में 1 माइनस sin x अपॉन स्क्वायर रूट में 1 प्लस sin x माइनस स्क्वायर रूट में 1 माइनस sin x, जो भी कुछ दिया है पहले उसे रैशनलाइज करेंगे हम, इस प्रकार से अगर आपको कुछ दिख रहा है तो उसे रैशनलाइज करना है, इस टर्म की वैल्यू निकालेंगे, सबसे पहले हम इस टर्म की वैल्यू निकालेंगे जो दी हुई है, क्या दिया हुआ है 1 प्लस sin x प्लस अंडर रूट 1 माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin x माइनस अंडर रूट 1 माइनस sin x, इसे करेंगे हम रैशनलाइज, इस टर्म को हम करेंगे रैशनलाइज करना होगा तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना होता है, सेम डिनोमिनेटर यूज करना है, सिर्फ यहां पर माइनस की जगह पर प्लस, ये क्या बनेगा 1 प्लस sin x, यहां पर माइनस की जगह पर क्या लिखना है प्लस, और सेम डिनोमिनेटर लिख देना है, उसी से मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, देखिए ये लिखा है मैंने सिर्फ यहां पर माइनस की जगह पर प्लस, तो
वन प्लस साइन एक्स प्लस वन माइनस साइन एक्स। अब देखिए ये a प्लस बी और ये a प्लस बी यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए a प्लस बी एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में भी a प्लस बी है, तो इसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी और उसका होल स्क्वायर। यहां पर देखिए a माइनस बी a प्लस बी, अगर a माइनस बी है और दूसरा a प्लस बी है तो उसे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इन दोनों फॉर्मूले का फॉर्मूलाज का हमें यूज करना है। यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, a स्क्वायर a की जगह पर यहां पर क्या है ये, इसका स्क्वायर लूंगा तो ये स्क्वायर रूट में से बाहर निकल जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह पर यहां पर क्या है 1 माइनस साइन एक्स बी स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट चला गया प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, 2 ए की जगह पर क्या है यहाँ पर रूट में 1 प्लस साइन एक्स और b की जगह पर क्या है रूट में 1 माइनस साइन एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी ये स्क्वायर रूट में से बाहर निकलेगा 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा फिर ये माइनस बी स्क्वायर यानी बी की जगह पर क्या है यहाँ पर 1 माइनस साइन एक्स, तो ये स्क्वायर रूट में से बाहर निकलेगा। तो देखिए ये पॉजिटिव वाला साइन एक्स निगेटिव वाला साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 2, 2 को मैं कॉमन लेता हूँ, एक स्टेप ज्यादा करूंगा कंफ्यूज हो जाऊंगी, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 रूट में क्या है 1 प्लस साइन एक्स है, यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे a प्लस बी a माइनस बी, फिर वही अंदर में a प्लस बी a माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस b का स्क्वायर यानी b की जगह पर यहाँ पे क्या है साइन एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा वो। ये देखिए a प्लस बी इसको समझ इसको सपोज किया मैंने a माइनस बी a प्लस बी और इसको a माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया अप्लाई किया यहाँ पर, तो ये मुझे मिला वह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर यानी साइन एक्स का स्क्वायर वो होता है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, देखिए ये पॉजिटिव वाला 1 ये निगेटिव वाला 1 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव है साइन एक्स प्लस साइन एक्स क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स, फिर यहाँ पर 2 को मैं कॉमन लेता हूं तो ये मुझे मिलेगा 1 प्लस, यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स यानी होता है कॉस स्क्वायर एक्स, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और मुझे मिलेगा सिर्फ कॉस एक्स अपॉन 2 और नीचे क्या है साइन एक्स, 2 2 कैंसिल हो गया यहाँ पर और फिर यहाँ पर सिर्फ बचता है 1 प्लस कॉस एक्स और नीचे साइन एक्स। यहाँ पर हमें दो फॉर्मूलाज का यूज करना है, एक कॉस एक्स हमें पता है कॉस 2 एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अगर मैं इस सारे एंगल को 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x बाय 2 और ये भी हो जाएगा x बाय 2, तो कॉस एक्स की वैल्यू मुझे क्या मिली यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और हमें ये वाला फॉर्मूला पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स की जगह पे मैं एंगल लूंगा एक्स बाय 2, तो मैं 1 को लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, और कॉस एक्स को मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, तो लिखूंगा मैं उसे इसी प्रकार से। और साइन 2 एक्स वाला एक फॉर्मूला देखिए, साइन 2x होता है 2 sin x into cos x, अब ये जो x 2x वाला एंगल है सारे एंगल को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, इसे 2 से डिवाइड करने के बाद 2 निकल गया,
ये हो जाएगा एक्स बाय टू, ये हो जाएगा एक्स बाय टू। तो देखिए मुझे वन की जगह पर क्या पुट करना है यहाँ पर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। वन की जगह पे मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू। अब कॉस एक्स की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू। कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू अपॉन। अब साइन एक्स की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, टू इंटू साइन एक्स बाय टू इंटू कॉस एक्स बाय टू। टू इंटू साइन एक्स बाय टू इंटू कॉस एक्स बाय टू। तो देखिए ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, कैंसिल हो गया। तो ये कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू क्या हो जाएगा, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू। नीचे क्या बचा है, टू साइन एक्स बाय टू और ये कॉस एक्स बाय टू, टू साइन एक्स बाय टू और ये कॉस एक्स बाय टू। टू टू कैंसिल हो जाएगा, ये कॉस एक्स एक और ये इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा कॉस एक्स बाय टू और नीचे क्या है, साइन एक्स बाय टू। कॉस बाय साइन होता है कॉट, तो ये हो जाएगा कॉट एक्स बाय टू। हमें क्या मिली इसकी वैल्यू, कॉट एक्स बाय टू, यानी इस होल टर्म की वैल्यू हमें मिल रही है कॉट एक्स बाय टू। तो देखिए सिर्फ एक ही छोटी सी स्टेप रही है यहाँ पर, देखिए कॉट इनवर्स है, हमें इस होल टर्म की वैल्यू क्या मिली है यहाँ पर, कॉट एक्स बाय टू, ये हो रहा है कॉट एक्स बाय टू। तो ये कॉट इनवर्स है और ये कॉट कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा एक्स बाय टू, और हमें एक्स बाय टू ही दिखाना था। देखिए राइट हैंड साइड को हमें x by 2 दिखाना था, मतलब राइट हैंड साइड में x by 2 है, तो लेफ्ट हैंड साइड को भी हमने क्या दिखा दिया, x by 2। तो प्रूव हो गया राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो इस प्रकार से इसे यूज करना है, बस इसमें कुछ बेसिक फॉर्मूले से उसे सिर्फ अल्टरनेट करके यूज किया गया है इस क्वेश्चन में। तो थोड़ा सा ट्रिकी है, उस फॉर्मूला को याद रखिए, आपको ये आ जाएगा।